पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले युवक और उसके रिश्तेदार को गिरफ्तार किया है। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने यूपी के रामपुर निवासी की शिकायत पर उबर सीट के संचालक खुशवंत सिंह और उसके ससुर मनमोहन जीत सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पीड़ित ने बताया कि आरोपियों ने विदेश भेजने के नाम पर 3 लोगों से 35 लाख रुपये से ज्यादा की ठगी की थी। आरोपी ने पैसे के बदले वीजा देने की बात कही थी, लेकिन आरोपी ने वीजा नहीं दिया। वहीं पुलिस ने जांच में अन्य व्यक्तियों से भी आरोपियों द्वारा 2.5 करोड़ की धोखाधड़ी की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है, जहां से कोर्ट ने दोनों आरोपियों को रिमांड पर भेज दिया है। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। दो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उनको उन्होंने एक फॉर्म ओपन करी हुई थी ब्रार ओवरसीज के नाम से। इन लोगों का ये काम था कि ये लोग धोखाधड़ी करके ऐसा दिखा के कि हम लोगों को बाहर भेजेंगे। उस चीज में इन लोगों ने काफी लोगों से पैसे ऐठे, जो पैसे अभी तक जो हमें पता चला है अमाउंट, वो 2 से 2.5 करोड़ के बीच का अमाउंट है जो वो लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। 3 लोगों की कंप्लेंट्स पे FIR लॉन्च करी है। 8 लोग और हैं जिनकी जांच हमारे पास अभी भी कर रहे हैं सेम फॉर्म के ऊपर।